कंडाघाट के निकट क्यारी बंगला रेस्ट हाउस का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअली उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के इस होटल में सैलानियों के लिए अच्छी श्रेणी के कमरे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य तरसेम भारती व सोलन से चुनाव लड़ चुके डॉक्टर राजेश कश्यप समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। भारती ने इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। भारती ने कहा कि आज हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिनके अथक प्रयास से आज सोलन निर्वाचन क्षेत्र में क्यारी बंगला में HPTDC द्वारा 37 करोड़ रुपए की लागत से बनकर जो होटल तैयार हुआ है आज ये जनता को हमने समर्पित किया है। और इसमें 34 कमरे हैं, बैंकट हॉल है, जो शादी ब्याह की समस्या आती थी उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। और उसके साथ साथ ये जो क्षेत्र है ये ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है, और इसलिए ज़्यादा लोगों का प्रेफर करेंगे लोग इसको टूरिस्ट। और साथ ही पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, बहुत सी गाड़ियों खड़ी करने के लिए यहाँ पर जगह है, और इससे हमारे क्षेत्र के लिए बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो इस अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके अथक प्रयास से ये निर्धारित समय में, जो समय निर्धारित किया गया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है और आज समर्पित किया गया है। धन्यवाद। क्यारी घाट से आपका फैसला के लिए ठाकुर ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।